सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नईम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आज मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। और आज जो ज्ञान की गंगा बही है, जिस तरह बुंदेलखंड और झांसी के क्षेत्र के इतिहास के बारे में चर्चा हुई है, निश्चित रूप से हम सब को बहुत लाभ मिला है। और मैं वाकई अभिभूत हूँ आदरणीय कुशवाहा जी को सुनकर, आदरणीय पिसारिया जी को सुनकर, खैरो साहब को सुनकर, मोहन नेपाली जी को सुनकर। निश्चित रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे जो ये कार्यशाला की जा रही है, इसमें डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी का प्लान किया गया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही उत्तम कार्य है। हम सब जानते हैं बुंदेलखंड की जैसे की चर्चा हुई, बुंदेलखंड के कणकण में, बुंदेलखंड के चप्पे चप्पे पर इतिहास भरा हुआ है, किंतु ये संकलित नहीं हुआ। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा, राजस्थान में टूरिज्म बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि वहाँ का इतिहास को बहुत हाईलाइट किया गया है। हमारे बुंदेलखंड में भी बहुत संभावनाएं हैं, बहुत ऐतिहासिक स्थल हैं, बहुत ही बड़े अच्छे बड़े स्थल हैं, तो उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया गया। आदरणीय अशोक द्विवेदी जी को मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपके सहयोग से ये कार्यशाला आयोजित की गई। और विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की बात होगी, विश्वविद्यालय आपके साथ हमेशा है। और हमारे विश्वविद्यालय के लगभग 380 कॉलेजेस हैं 7 जिलों में, उन सबके माध्यम से भी हम अपनी बात को आगे तक पहुँचा सकते हैं। मैं आदरणीय तरेजा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे कहानी को लेखन करना है और उसको क्या प्रारूप होगा, उसके विषय में हमें बताया। और आने वाले जो टेक्निकल सेशंस हैं उसमें आई एम श्योर कि उन चीज़ों पे और प्रकाश डाला जाएगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो भी कथा कहानी ढूंढे गाँव में जाकर, उन सबको सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट कर दूँगा, तो हमारे क्षेत्र के बारे में लोगों को जानकारी ज़्यादा मिलेगी और उससे लोगों को मतलब अपने क्षेत्र पे गर्व होगा और देशभक्ति की भावना भी ऑटोमेटिकली प्रभावित होगी। और जैसा कि बताया गया आदरणीय द्विवेदी जी ने कि लगभग 7000 स्टोरीज जो है वो अभी तक संकलित हो गई हैं, यूपी में 200 स्टोरीज संकलित हुई हैं। और मेरे ख्याल से बुंदेलखंड में या झांसी या हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा ही हजारों स्टोरीज दी जा सकती हैं। अभी इससे यहाँ पर एक आदरणीय कमिश्नर साहब रहे अजय शंकर जी, उन्होंने उनके माध्यम से गांव-गांव की गौरव गाथा को हाईलाइट करने की कोशिश की गई, वहाँ भी काफ़ी कहानियाँ किस्से और संस्मरण इकट्ठे किए गए। इस तरह का प्रयास करते रहना चाहिए। और विश्वविद्यालय का जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो भी स्टूडेंट अगर हमारी यूनिवर्सिटी का कोई इस तरह की एक्टिविटी में फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत भी है, तो विश्वविद्यालय करने को तैयार। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में काफी क्लब्स की